तो फ्रेंड्स, आज मैं आई थी अपने फोईबा के घर खम्बोरज जो गांव है वहाँ पे मेरी फोई रहती है, तो मैं वहीं आई थी। मैं जब भी आती हूँ इनके यहाँ तो ये मुझे इनके यहाँ की फेमस रेसिपी जो है वो है चटनी वाले भजिए, तो वो मुझे हर बार खिलाती हैं। तो इस बार तो मैं खुद ही वहाँ पे गई उनके साथ देखने के लिए वो कैसे बनाते हैं। तो वहीं पर मैं गई थी और वो लोकेटेड करता है खम्बोरज गांव के अंदर, चर्च है, चर्च के सामने इनका ये दुकान है। देखिए, ये नाश्ता हाउस है, श्री मानबा नाश्ता हाउस के नाम से ये दुकान फेमस है। ये खम्बोरज का बहुत ही फेमस है, यहाँ के भजिए बहुत ही फेमस है, बहुत लोग यहाँ पे दूर दूर से खाने आते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है इनका ये भजिया और उनका कुछ अलग ही है। देखिए, ये तरी बना रहे हैं, ये भजिए के साथ देते हैं जिसे ये लोग चटनी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ये तरी है, चने की तरी बनाई है उन्होंने और ये भजिए के संग ये लोग देते हैं। और ये भजिए के संग बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट होता है फ्रेंड्स। एक बार अगर आप ये ट्राई करोगे ना तो गारंटी है मेरी, आप बार बार यहाँ पे जाओगे। और अगर आप यहाँ से गुजर रहे हो, जाते आते हो, तो यहाँ पे ज़रूर से इनके भजिए ट्राई करने के लिए एक बार जाए मेरे कहने पे, तो आपको इसका जो स्वाद है वो आपके दांतों के अंदर चिपक जाएगा और जाएगा ही नहीं। देखिए, दूसरी भी चटनी है, कड़ी के जैसी ये चटनी है दूसरी, तो ये लोग दो चटनियाँ देते हैं और दोनों के संग ये भजिए देखिए इस प्रकार से खाया जाता है। डिश के अंदर भजिए डालते हैं और उसके ऊपर ये जो तरी है वो डालते हैं और इस प्रकार से ये लोग सर्व करते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है इनका भजिया, तो जिसे जिस प्रकार से पसंद हो उस प्रकार से वो लोग ले लेते हैं, टेस्ट करते हैं। तो एक बार ज़रूर से आप मेरे कहने पर इनके भजिए खाने आए और याद करोगे, एक बार अगर आप खाओगे तो इतना टेस्टी है। वैसे मेरे कहने पे एक बार यहाँ पे ज़रूर से आए और इसे ट्राई करे, और मैं तो इसे देखकर रह नहीं पाई, मेरे मुंह में तो आ गया पानी, तो मैं तो इसे ट्राई किए बिना रह नहीं पाई।